ग्राम पंचायत इसासनी के सरपंच उप सरपंच के साथ 8 ग्राम पंचायत सदस्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 की धारा 14(1)(j)(3) एवं 16 के तहत सदस्यता रद्द की गई। देख रहे BCN न्यूज और बात इतनी गंभीर है कि गायरन जमीन पर अतिक्रमण करने वाले ग्राम पंचायत इसासनी के सरपंच उप सरपंच और 8 सदस्य आज उनका पाय उतर हुआ है, यानी अपात्र हुए हैं, वो पद से निष्कासित हो चुके हैं। तो इसी विषय पे हमारे साथ राजेश एन ठाकुर हिंगना वार्ता के संपादक हमारे साथ में है, उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस विषय में। सर, आज जो आदेश हुआ है इस जो सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध में जो आदेश हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें मैं ये बोलूँगा, ये जो आदेश हुआ है, ये आदेश सेक्शन जो अतिक्रमण सेक्शन है शासन का जो अधिनियम है 14(1)(j)(3) व 16, इस अंतर्गत एक केस 2018-2019 को ये दाखिल हुई थी। ये शासनी ग्राम पंचायत के करीबन 8 सदस्यों पे दाखिल हुई थी, उसमें से 6 सदस्यगण मुझे अपात्र हुए। इसमें सरपंच नीलेश उइके और मीनाबाई मेसराम, ये उप सरपंच, इनके साथ जो सदस्यगण है 8 सदस्यगण, ये अपात्र ठहरे हुए हैं। इसमें सदस्यगण में राहुल कुलसंगे, श्रीमती स्वाति मदनकर, श्रीमती ज्योत्सना रहांगडाले, श्री रामभाऊ लाखले, श्रीमती मीना मंगेश मेसराम, ये सदस्य व उपसरपंच, ऐसा इनका पद था। उसी प्रकार श्री जितेंद्र पटले, श्री अजीत वाघमारे, श्री भारत गायधने और श्री अरविंद सुधाकर ढोने, ये 8 सदस्यगण सरपंच उपसरपंच के साथ अपात्र हुए हैं। ये अपात्र हुए हैं, लेकिन इसमें जो 5 वर्षों से स्थानिक जो ग्रामस्थ है, इनका जो विकास रुका हुआ है। यहाँ मेन मुद्दा है ये गायरन की जमीन होने की वजह से यहाँ पर अनेक लोग स्थानिक जो पट्टे होते हैं शासन के 2011 की जनसंख्या अनुसार गणने के अनुसार जो पट्टे मिलना चाहिए वो पट्टे से बिल्कुल वंचित है। इसमें शासन दुर्लक्ष बनाए हुए। इसमें क्या होता है, कंप्लेनर जो होता है बार बार उचुल में क्या होता है कि ये केस चलते रहती है, लेकिन स्थानिक वार्ड के जो ग्रामस्थ हैं इनके समस्या का निराकरण नहीं हो पाता। तो इस शासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ये इस प्रकार की जो केसेस आती है इसमें कुटली कहीं पे विलंबता न करते हुए इसमें तत्काल जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई करना चाहिए। उसी प्रकार जो शासनी परिसर है, ग्राम पंचायत का जो परिसर है, इस परिसर में बहुत संख्या लोग हैं जो अतिक्रमण में है। इसमें 99% जो लोग हैं अतिक्रमण पे हैं, इसमें शासन ने दुर्लक्ष बनाया है। यहाँ आए दिन जो सदस्यगण होते हैं, जो वहाँ के असामाजिक तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं कि जमीन बेचते हैं सरकारी और तुरंत टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये टैक्स लगाने की वजह से क्या होता है कि वो अतिक्रमण एकमेक पे केस डालते हैं और केस चलती है, उस बीच में जो स्थानिक रहवासी है उनके कामों का कुछ निराकरण होता नहीं, इससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और शासन वहाँ पे पट्टे देने का भी कोई नामो निशान नहीं है। उसी प्रकार लोक प्रतिनिधि भी दुर्लक्ष बनाए है। लोक प्रतिनिधि भी थोड़ा बहुत करस्पॉन्डेंट करती है शासन में, फिर वो चुपचाप बैठ जाती है क्योंकि उनको अपना वोट बैंक देखना होता है। इसके वजह से शासन ने इसमें ध्यान देना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा। धन्यवाद। मुझे बताइए, कई सालों से यह अतिक्रमण का केस ऐसा ही चल रहा है जी। 5 साल में 5 सरपंच बदलते हैं, ऐसा इस इसासनी ग्राम पंचायत का पिछले कई सालों से, कैसे मिले सकता है 20 सालों से जी। इस तरीके से रिकॉर्ड बना हुआ है और इस समस्या को छुड़ाने के लिए ऐसा कोई उपाय या फिर आप कुछ इसमें हस्तक्षेप करने वाले हैं? ऐसा कोई उपाय इसमें शासन ने ध्यान देना जरूरी है। कारण क्या होता है कि वहाँ की लोकसंख्या आज देखा जाए तो जो 2011 की जनगणना के हिसाब से काफ़ी बड़ी हुई है, 50,000 से भी ऊपर जनसंख्या है वहाँ पर। और आए दिन वहाँ पे नए नए लोग रहते हैं, मजदूर वगैरह गए, और उसमें क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो कारखाने हैं, कारखाने में कुछ कामगार काम करने वाले हैं, कुछ हाथ मजदूर है, ये काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनको जो पट्टे देना चाहिए वो पट्टे नहीं मिल पा रहे, जो मतलब जिन्हाई ने जो कायदे में बैठते हैं और जो मतलब अभी अभी आए हैं, कुछ वहाँ के जो असामाजिक तत्वों को संगठित करके और मतलब सदस्यगण
की जो ग्राम पंचायत की सदस्यगण है ये अपनी पार्सलिटी करके उनको जगह का खरीदना बेचने का वहाँ पे ज़्यादा कारनामा शुरू है और तुरंत उनके टैक्स लगा दिए जाते हैं। इस बारे में हमने महाराष्ट्र राज्य शहर ग्रामीण पत्रकार संघ की तरफ से शासन में कंप्लेंट दाखिल की है लेकिन उस पर भी दुर्लक्ष बनाए। कुछ लोगों ने क्या किया है सर, वहाँ पे बोरवेल खोद दिया है सरकारी ज़मीन पे और 400-500 घरों को ऐसा उन्होंने कनेक्शन दिया है पानी का और हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया ग्राम पंचायत को कि ये जो कनेक्शन आपने दिया है सबसे पहले बोरवेल का जो व्यक्ति ने है पटले पटेल करके एक व्यक्ति है जो भीमनगर में है जिनके ऊपर पुलिस गुना दाखिल भी है किसी और व्यक्तिगत कारण को लेके, उसी प्रकार अनेक बार ग्राम पंचायत ने भी उनके खिलाफ़ में पुलिस में दरख्वास्त दी है लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। बार बार यही हो रहा है सर, वहाँ पे क्या हो रहा है कि सर ग्राम पंचायत में अगर कोई निवेदन लेकर जाओ तो वो पंचायत समिति में जाती है, पंचायत समिति वाले तहसील कार्यालय में भेजते, तहसील कार्यालय पंचायत समिति का काम है बोलते, वन विभाग वाले बोलते कि तहसीलदार का काम है और फिर बाद में जिलाधिकारी के पास जाओ तो जिलाधिकारी बोलता तहसीलदार का काम है, तहसीलदार पंचायत समिति, तो एक मेक पे ढकला ढुकली का काम चालू है। इसके वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का मतलब मुझे ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए अतिक्रमण जिसका है उनको नियमाकुल करने के लिए वो नहीं हो पा रही और इसमें क्या हो रहा है कि जो असामाजिक तत्व है और जो ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यगण हैं ये साठगांठ करके मतलब जगह बेचने का, सरकारी जगह बेचने का और वहाँ पर अपना पैसा जमाने का और उनका टैक्स लगवा लेने का यही ज़्यादा प्रकार चालू, इसके वजह से लोग त्रस्त है। ये थे हमारे ठाकुर साहब, इन्होंने जो बताया है कि सच में वहाँ पर ऐसा कुछ अंकुश लगना चाहिए कि ये जो भू माफिया जमीन बेचने वाले हो या फिर जिस तरीके से अतिक्रमण कर जो लोग रह रहे हैं उसे नियमित करके उन्हें भी इलेक्शन लड़ने के लिए मौका दिया जाए, इस तरीके से ग्राम पंचायत की जो है कार्यकारिणी में दखल होने से गाँव का विकास भी आधा अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए ठाकुर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की है कि इस पे शासन ने सरकार ने बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। NBC न्यूज़ के लिए हिंगना से मैं आशीष गुंडा ने।